हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैट कनीशा। तो दोस्तों, रविवार के दिन, जी हाँ दोस्तों रविवार के दिन आप ये उपाय करते हैं तो दोस्तों आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। आपकी नौकरी व्यापार में जो उन्नति नहीं हुई आज तक, वो होनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, रविवार के दिन आप सूर्य को जल तो अवश्य देते हैं, पर दोस्तों सूर्य को जल देते समय उनमें सिर्फ एक फूल, जी हाँ दोस्तों तांबे के लोटे में एक फूल डालकर जब आप सूर्य को अर्घ देंगे तो उससे बहुत सारे चमत्कार हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य भगवान की कृपा हो सकती है, उसके साथ ही आपके सारे रुके हुए काम बन सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, रविवार के दिन आप एक, जी हाँ दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल देते समय तांबे के लोटे में जल देते समय उसमें एक फूल अवश्य डाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक फूल अवश्य डालिए और सूर्य को वो फूल चढ़ाए, क्योंकि दोस्तों ये फूल चढ़ाने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, अगर किसी के जीवन में बार बार रुकावटें आ रही है तो रविवार के दिन एक बार ये उपाय आजमा कर अवश्य देखें। इस उपाय से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल के साथ मनचाही इच्छाएं पूरे होने लगती है। दोस्तों इस उपाय को सुबह उगते हुए सूर्य के समय ही करना है। कुछ लोगों के ग्रह दोष खराब होने के कारण जीवन भर उन्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता उनसे कोसों दूर रहती है। जी हाँ दोस्तों, रविवार के दिन नौ ग्रहों को अधिपति आदिदेव भगवान श्री सूर्य नारायण का दिन होता है। इस दिन अगर गाय के दूध का ये छोटा सा उपाय किया जाए तो ग्रहों की अशुभ स्थिति शीघ्र ठीक होने के साथ मनचाही कामना पूर्ति होने का योग बन लगते हैं। दिया दोस्तों, तंत्र शास्त्र में इस उपाय को धन प्राप्ति का सरल एक रामबाण उपाय बताया गया है। जो कोई भी दुर्भाग्य से छुटकारा पाना चाहता है और अपार धन समृद्धि की कामना हो तो रविवार के दिन उपाय जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, रविवार के दिन सूर्योदय से एक घंटा पहले उठकर स्नान करके पीले या श्वेत वस्त्र पहन ले। आप सूर्य उदय होने से पूर्व सूर्य बीज मंत्र ओम गुरुणी सूर्याय नमः का 108 बार जप कर ले। जब करते समय अपने सामने एक स्टील या चांदी के पात्र में शुद्ध जल में गाय का दूध मिलाकर रखें। जी हाँ दोस्तों, जब मंत्र आप पूरा हो जाए और सूर्य उदय हो रहा हो तो पात्र के दूध मिले जल को, जी हाँ दोस्तों, किए गए मंत्र का 11 बार उच्चारण करते हुए अर्घ दे। तो दोस्तों इस तांबे के लोटे में जब आप अर्घ देते हैं तो इस समय एक फूल अवश्य समाविष्ट करें। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों तांबे के लोटे में जब भी आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाए उसमें भगवान सूर्य का मन पसंदीदा फूल अवश्य चढ़ाए। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को आग का फूल सबसे ज्यादा प्रिय है। मान्यता है अगर सूर्य को आग का फूल अर्पण किया दिया जाए तो सोने की 10 आशीर्वाद चढ़ाने का फल मिलता है। दोस्तों ध्यान रहे, रविवार के दिन आप ये आग का फूल तांबे के लोटे में डालकर, जी हाँ दोस्तों, पानी में थोड़ा सा दूध डालकर भगवान सूर्य नारायण को चढ़ाते हैं और अक्षदा तांबे के लोटे में डालकर भगवान को चढ़ाते हैं तो आपको स्थायी रूप से संपत्ति प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, और ये फूल आपको चढ़ाने से आपकी मनचाही, जी हाँ दोस्तों, मनचाही नौकरी, मनचाही व्यापार चल सकता है। आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखें, ये फूल अवश्य चढ़ाए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम गुरुणी सूर्याय नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।